Hello students, this video is for class 8th computer. In this video we will discuss the summer holiday homework. The first holiday homework is from chapter 1 networking concept. The first question is what is computer network, yani computer network kya hota hai. The answer is a computer network can be defined as a group of computer and other peripheral devices that are linked together for the purpose of sharing data and hardware resources. Yani computer network computer and peripheral devices yani ki input and output devices ka group hota hai jo ki ek dusre se linked hote hain data aur hardware resources ko share karne ke liye ek dusre se linked hote hain. The second question is what is conferencing. Conferencing kya hoti hai. The answer is when two users have simultaneously conversation on the internet it is called conferencing. यानी जब two users simultaneously यानी एक ही समय में internet पर conversation करते हैं तो इसे ही conferencing कहते हैं. Next question is list some advantages of networking यानी some advantage बताना है networking के. तो the advantages एफिशिएंट होता है ये प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन करता है डाटा शेयरिंग करता है एंटरटेनमेंट करता है कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन करता है और क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नेटवर्क कार्ड यानी नेटवर्क कार्ड क्या होते हैं. द आंसर इज नेटवर्क कार्ड इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. It is a hardware component used to send and receive data being transmitted over the Ethernet cable. यानी network card को हम network interface card भी कहते हैं. ये hardware component होता है जो use किया जाता है cable के through data transfer या pass जो होता है उसे send और receive करने के लिए use किया जाता है. Next question is what is Bluetooth. Bluetooth is a wireless technology that is used to interconnect mobile phone, computer, printer using short range of wireless connection. Yani Bluetooth ek wireless technology hai jo ki mobile, computer, printer etc. ko short range mein aapas mein wireless connection karne mein use hota hai. नेक्स्ट है एक्सप्लेन लैन मैन एंड वैन यानी लैन को मैन को और वैन को एक्सप्लेन करना है. तो लैन इज़ लोकल एरिया नेटवर्क जो लैन होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है. इन दिस नेटवर्क टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद इन अ स्मॉल एरिया. इसमें टू और मोर कंप्यूटर्स या उसके पेरिफेरल डिवाइसेस यानी इनपुट एंड आउटपुट स्मॉल एरिया में कनेक्ट होते हैं. इन लैन कंप्यूटर टर्मिनल आर फिज़िकली कनेक्टेड विद वायर्स और लैन में कंप्यूटर टर्मिनल जो होते हैं वो फिज़िकली वायर से कनेक्टेड होते हैं. इसका लैन का एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं जैसे रूम है ऑफिस कैंपस है एट्सेट्रा. नेक्स्ट आपका आता है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में इट इज़ लार्ज नेटवर्क देन लैन. ये लार्ज नेटवर्क ये लैन से लार्ज होता है. इट इज़ स्प्रेड अक्रॉस द सिटी ये सिटी में स्प्रेड होता है. सिंस इट कवर सिटी इट इज़ कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन क्योंकि ये सिटी को कवर करता है इसीलिए इसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं. आप एग्ज़ाम्पल समझ सकते हैं जैसे केबल टीवी है और लोकल बैंक की ब्रांचेस है ये मैन के अंदर आते हैं. नेक्स्ट है आपका वैन. वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क. जो वैन है वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है. दिस काइंड ऑफ नेटवर्क कनेक्ट टू और मोर कंप्यूटर लोकेटेड एट फार अवे प्लेसेस. इस नेटवर्क में टू और मोर कंप्यूटर्स जो कनेक्ट होते हैं ये फार अवे प्लेसेस में कनेक्ट होते हैं. दे आर लिंक्ड बाई कम्युनिकेशन फैसिलिटी. ये आपस में लिंक होते हैं कम्युनिकेशन फैसिलिटी के थ्रू लिंक होते हैं लाइक टेली कम्युनिकेशन और सेटेलाइट सिग्नल के थ्रू ये लोग लिंक होते हैं. इसका एग्जाम्पल आप ATM फैसिलिटी और टेलीकॉम सिस्टम से आप समझ सकते हैं इसका आंसर.
स्टूडेंट्स, इन सब की पिक्चर्स आप बुक में देख करके ड्रॉ कर सकते हैं। कंप्यूटर की बुक में जो अवेलेबल है उसकी पिक्चर देख करके आप हॉलीडे होमवर्क की कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ हब, यानी हब का क्या फंक्शन होता है। तो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ हब इज़ इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ कनेक्शन फॉर ऑल द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। ये कंप्यूटर जो भी नेटवर्क में होते हैं, हब उनके सेंट्रल पॉइंट की तरह एक्ट करता है। एवरी कंप्यूटर प्लग इनटू अ हब, और सभी जो कंप्यूटर होता है वो हब से प्लग किए जाते हैं। इसका सेकेंड फंक्शन है, इट अरेंज द पोर्ट इन सच अ वे सो दैट इफ़ अ पर्सनल कंप्यूटर ट्रांसफर डाटा, द डाटा इज सेंट ओवर द अदर कंप्यूटर थ्रू इट्स नेटवर्क कार्ड। ये पोर्ट, यानी कि पोर्ट का मतलब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, को इस टाइप से अरेंज करते हैं कि अगर कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र करता है तो डाटा नेटवर्क के थ्रू डाटा को अदर कंप्यूटर में सेंड कर देता है। द नेक्स्ट हॉलीडे होमवर्क इज़ फ्रॉम चैप्टर 2, लॉग ऑन टू एक्सेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाटाबेस आर देयर इन एमएस एक्सेस, यानी एमएस एक्सेस में कितने टाइप्स के डाटाबेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, द आंसर इज़ देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ डाटाबेस। फर्स्ट है फ्लैट फाइल डाटाबेस एंड द सेकेंड इज़ रिलेशनल डाटाबेस। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ डिफाइन टेबल इन एमएस एक्सेस, यानी एमएस एक्सेस में टेबल को डिफाइन करना है। द आंसर इज़ टेबल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ डाटाबेस, दे स्टोर द कंप्लीट डाटा इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। यानी टेबल डाटाबेस में बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी एक के ऊपर एक ब्लॉक्स होते हैं, ये रोज एंड कॉलम के फॉर्म में होते हैं। स्ट्रक्चर मैनर में कंप्लीट डाटा को स्टोर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी फोर फीचर्स ऑफ एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के फोर फीचर्स बताने हैं। तो फर्स्ट फीचर है, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ब्रेक लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल पार्ट्स सो दैट इट इज़ इजी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। एमएस एक्सेस हमें लार्ज इंफॉर्मेशन को स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक करने में फैसिलिटी देता है, जिससे हम इंफॉर्मेशन तक इजीली एक्सेस कर सकें इंफॉर्मेशन को। सेकेंड फीचर है इसका, डाटा रिडंडेंसी इज़ रिड्यूस्ड। जो डाटा रिडंडेंसी से आप समझ सकते हैं कि जो ऐसे डाटा जो कि दो बार उसमें ऐड कर दिए गए हों या स्टोर्ड कर दिए गए हों, तो उसको रिड्यूस कर देता है, उसमें से एक डाटा को रिड्यूस कर देता है। थर्ड फीचर है इसका, इट इंक्रीजेज द स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन को सर्च करने में स्पीडली इंफॉर्मेशन को सर्च भी कर लेता है और इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है जल्दी। फोर्थ इसका फीचर है, एक्सेस प्रोवाइड डाटा सिक्योरिटी फीचर विच इज़ यूज्ड टू मेक आवर डाटा मोर रिलायबल। जो एक्सेस है वो डाटा सिक्योरिटी फीचर भी एक्सेस के अंदर होता है, जिससे कि हम लोग डाटा को मोर रिलायबल, हमारा डाटा वो ये मोर रिलायबल हो जाता है, यानी हमारा डाटा सिक्योर हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेम एनी फाइव कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस के फाइव कंपोनेंट्स बताने हैं। तो द आंसर इज़, फर्स्ट कंपोनेंट है टाइटल बार, सेकंड क्विक एक्सेस टूल बार, थर्ड रिबन, फोर्थ नेविगेशन पैन एंड फिफ्थ ऑब्जेक्ट टैब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू क्रिएट मॉडिफाई डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस, यानी कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यूज़ किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है, डाटा को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर है DBMS, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द नेक्स्ट हॉलीडे होमवर्क इज़ फ्रॉम चैप्टर ऐप डेवलपमेंट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, डिफाइन ऐप, यानी ऐप को आपको डिफाइन करना है।
द वर्ड ऐप इज़ एन एब्रिविएशन फॉर एप्लीकेशन, यानी ऐप का अब फुल फॉर्म एप्लीकेशन है। एन एप्लीकेशन इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू डू अ स्पेसिफिक जॉब। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये स्पेसिफिक जॉब के लिए, यानी स्पेशली किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ऐप आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। जो ऐप है वो थ्री कैटेगरीज में इसको क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है डेस्कटॉप ऐप, सेकंड है वेब ऐप और थर्ड है मोबाइल ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन नेटिव ऐप एंड हाइब्रिड ऐप, यानी नेटिव ऐप और हाइब्रिड ऐप में आपको डिफरेंस बताना है। द आंसर इज़ नेटिव ऐप। सबसे पहले नेटिव ऐप के बारे में जान लीजिए। ऐप दैट आर डेवलप्ड कीपिंग द डिवाइस स्पेसिफिकेशन इन माइंड आर नोन एज नेटिव ऐप। यानी नेटिव ऐप वो होते हैं जो स्पेसिफिक स्पेसिफिक डिवाइस या पर्टिकुलर डिवाइस को माइंड में रखकर डेवलप किए जाते हैं। मोस्ट नेटिव ऐप कम प्री इंस्टॉल ऑन द न्यू फोन एंड कैन ऑल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द प्ले स्टोर। अधिकतर जो नेटिव ऐप होते हैं वो न्यू फ़ोन में प्री इंस्टॉल किए हुए होते हैं और हम इन्हें प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सम नेटिव ऐप कैन रन ऑन डिवाइस विदाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट, और कुछ जो नेटिव ऐप होते हैं वो इंटरनेट के बगैर इंटरनेट के भी हम डिवाइस में रन कर सकते हैं कुछ नेटिव ऐप्स को। नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड ऐप। तो दीज ऐप कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द प्ले स्टोर। ये जो ऐप है ये हम प्ले स्टोर से इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं हाइब्रिड ऐप को। हाइब्रिड ऐप कंटेन द फीचर ऑफ बोथ वेब ऐप एंड नेटिव ऐप। हाइब्रिड जो ऐप हैं इनमें दोनों के फीचर होते हैं, वेब ऐप के भी और नेटिव ऐप के। दीज ऐप्स रिक्वायर द डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, और इन ऐप्स में जो डिवाइस है उनको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप ये जो गूगल आप लोग डाउनलोड करते हैं, गेमिंग ऐप डाउनलोड करते हैं, कैंडी क्रश एक ऐप है, एक गेम है, तो ये हाइब्रिड ऐप है। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ एनी फोर सोशल नेटवर्किंग ऐप, यानी कि फोर सोशल नेटवर्किंग ऐप के बारे में नेम हमें बताने हैं, ऐप के नेम बताने हैं। तो द आंसर इज व्हाट्सएप है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम etc। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स क्या होता है। द आंसर इज बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इज नोन एज ई कॉमर्स। यानी स्टूडेंट्स ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग जो भी गुड्स को या सामान को या सर्विसेज को जो भी इंटरनेट के थ्रू हम लोग लेते हैं उसे ही ई कॉमर्स कहते हैं। आप एग्जांपल में जैसे समझ सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या स्नैपडील से करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल ऐप, यानी एजुकेशनल ऐप का इम्पॉर्टेंस बताना है। तो द आंसर इज़ थ्रू एजुकेशनल ऐप स्टूडेंट्स इन द फार फ्लंग विलेजेस कैन ईजली एक्सेस हाई क्वालिटी एजुकेशनल रिसोर्सेज। यानी एजुकेशनल ऐप के थ्रू स्टूडेंट्स जो दूर फार फ्लंग प्लेसेस में रहते हैं वे हाई क्वालिटी की एजुकेशनल रिसोर्सेज तक पहुँच सकते हैं, हाई क्वालिटी की एजुकेशन ले सकते हैं। App not only help us to learn new concept but also show us what is being taught in the classroom। जो ये app है, जो ये educational app है, ये केवल हमें learning concept ही नहीं बताता है बल्कि हमें जो classroom में जो भी teacher लोग जो भी हमें ma'am लोग जो बताती हैं वो भी हमें इसमें educational app में मिल जाता है। एजुकेशनल ऐप आर एक्चुअली यूज़फुल फॉर बोथ स्टूडेंट्स और टीचर्स।
स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए यूज़फुल है। टीचर आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट स्टडी मटीरियल क्विकली, कंडक्ट टेस्ट एंड ग्रेड द स्टूडेंट्स इफ़िशेंटली। जो टीचर है वो टेस्ट भी कंडक्ट कराता है, उसे स्टडी मटीरियल भी स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और उसे ग्रेड भी दे सकता है। और इन बाय यूजिंग एजुकेशनल ऐप पेरेंट्स इंटरेक्ट मोर क्लोजली विद द टीचर्स एंड दस मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रेन। और इसके इस ऐप से एजुकेशनल ऐप से जो पेरेंट्स होते हैं वो टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।